जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम जानेंगे गूगल की एक बहुत ही यूजफुल सर्विस के विषय में, जिसका नाम है गूगल कीप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये गूगल कीप क्या है और आपके लिए इस गूगल कीप का क्या यूज है और आप किस तरीके से इसको अपने यूज में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गूगल कीप है ये बेसिकली गूगल कंपनी की एक नोट मेकिंग वेब और ऐप बेस्ड सर्विस है। इसका मतलब ये है कि ये जो गूगल कीप है ये वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर वर्क करती है। साथ ही दोस्तों ये जो गूगल कीप है इस पर आप अपने सभी तरह के नोट्स को लिख सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखने होते हैं, उन पॉइंट्स को आप रिमेम्बर रखने के लिए नोट्स बनाते हैं। उसी तरीके से आप इस काम को मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर गूगल कीप पर भी कर सकते हैं। गूगल कीप पर आप अपने नोट्स को टेक्स्ट के फॉर्मेट में बना सकते हैं, ड्राइंग के फॉर्मेट में बना सकते हैं, आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं अपने नोट्स के अंदर वो आप कर सकते हैं, आप अपने वॉइस नोट्स इसके अंदर सेव कर सकते हैं, यानी कि आपकी आवाज में आपके जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। साथ ही इन नोट्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे इनका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का वो आप कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, आपको बोल्ड करना है इटैलिक करना है वो आप यहां पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इन सभी कामों को करने से आपके जो नोट्स हैं आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं, साथ ही इनको शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई नोट्स बनाए गूगल कीप के अंदर, आप उनको किसी को शेयर करना चाहते हैं तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, उनके लिए आप एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं आप अपने नोट्स के लिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो गूगल कीप है ये बेसिकली गूगल की एक डिजिटल नोटबुक है जिसके अंदर आप अपने सभी तरह के नोट्स को सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो गूगल कीप है ये आपको दो तरीके से यूज में आप इसको ले सकते हैं, पहला ऐप के जरिए और दूसरा है वेबसाइट के जरिए। ऐप की बात करें तो इसको आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन और आईफोन दोनों पर यूज कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर से और आईफोन के लिए ऐप स्टोर से। वहीं पर अगर आप इसके ऐप को यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है googlekeep.com, इस पर जाकर आप इसको वेबसाइट के थ्रू इसको यहां पर लॉगिन करके इसको यूज में ले सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि हमारे ये जो नोट्स हैं ये कितने सुरक्षित हैं अगर हम इनकी सिक्योरिटी की बात करें, तो ये आपके नोट्स कंप्लीटली सिक्योर हैं, क्योंकि जब आप गूगल कीप को यूज करेंगे तो उसके लिए आपको जीमेल आईडी या गूगल आईडी से लॉगिन करना होगा, जिसके बाद आपके जो गूगल कीप पर जो नोट्स हैं उनका एक बैकअप आपकी आईडी पर भी रहता है। कि मान के चलिए आपका मोबाइल फोन खो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपके जो नोट्स उस आईडी पर थे उस आईडी को लॉगिन करके आप सेम नोट्स को दूसरे फोन पर भी एक्सेस में ले सकते हैं। दोस्तों बात की जाए इसको यूज कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल फोन पर जो गूगल कीप ऐप है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। उसके बाद अपनी जीमेल आईडी या गूगल आईडी के जरिए इस पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आसानी से आप उनको वहां से यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट गूगल कीप का और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।